क्या हो अगर आपसे ये कहा जाए कि पृथ्वी का एक महाद्वीप पृथ्वी की सतह से हमेशा के लिए गायब हो गया है? अब आप सोचेंगे कि सभी महाद्वीप तो अपने वास्तविक स्थान पर ही हैं, तो फिर मैं किस महाद्वीप की बात कर रही हूँ? दोस्तों, आज मैं बताऊंगी एक ऐसे महाद्वीप की कहानी जो आज से कई सालों पहले समुद्र की गहराई में समा गई थी। कुमारीकंदम नाम के इस द्वीप को एक प्राचीनतम महाद्वीप माना जाता है, जहां पर जन्मी थी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, तमिल सभ्यता। क्या इस प्राचीन सभ्यता का आज के तमिल लोगों से कोई नाता है? अगर नहीं तो कौन थे ये लोग और आखिर क्या रहस्य है पृथ्वी के खोए हुए महाद्वीप कुमारीकंदम का? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक और देखते रहे आज की कहानी आपकी दोस्त दीपिका के साथ ओनली ऑन थ्रिलिंग वीकेंड्स। हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मिलती रहे इस चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स। आज से कई हजारों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर एक विशालकाय महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम पैंजिया था। पैंजिया चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका नाम था पैंथेलासा। हमारी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में कई लाखों सालों में बदलाव होते रहते हैं, और ऐसे ही एक बड़े बदलाव के चलते पैंजिया टूटकर दो हिस्सों में बट गया, जिससे जमीन के दो भाग हुए, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना महाद्वीप कहलाया। इन महाद्वीपों के बनने और विभाजित होने के समय पृथ्वी की सतह पर कई बड़े बदलाव होते रहे, जिससे पर्वत, जलमग्न भूमि और नदियों का निर्माण हुआ, और इसी के साथ पृथ्वी ने कई बड़ी सुनामी और भूकंपों का सामना भी किया, और कुछ इसी तरह से कई उपमहाद्वीपों का भी जन्म हुआ, और उनमें से एक महाद्वीप कुमारीकंदम कहलाया। जब ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने डूबी हुई नगरी एटलांटिस का सिद्धांत सबके सामने रखा, तो विश्व भर से कई ज्ञानियों ने भी अटलांटिस जैसे ही कई डूबे हुए जगहों की धारणा पेश की। इस घटना से हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा, और 15वीं शताब्दी में तमिल के महापंडितों ने भी एक खोए हुए जगह की धारणा विश्व के सामने प्रस्तुत की। पर ये धारणा किसी शहर या देश के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरे महाद्वीप के बारे में थी। इस महाद्वीप का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। संस्कृत में कुमारीकंदम को कुमारीखंड नाम दिया गया है। माना जाता है कि कुमारीकंदम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में बसा हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत और मेडागास्कर को एक दूसरे से जोड़ता था। इस महाद्वीप के उत्तर दिशा में पहरुली नाम की एक नदी बहती थी, और दक्षिणी भाग में कुमारी नदी का विस्तार था। ये पूरा द्वीप 49 क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिनमें 7 नारियल की भूमि, 7 आम के पेड़ों का क्षेत्र, 7 रेतीली भूमि का क्षेत्र, 7 पहाड़ी भूमि, 7 तटीय भूमि और 7 बौने ताड़ के वृक्षों की भूमि थी। जरा सोचिए, कितना मनोरम और विशालकाय हुआ करता था कुमारीकंदम। इस अद्भुत महाद्वीप पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता तमिल सभ्यता का बसेरा था, और इस महाद्वीप पर पांडियन शासकों का राज हुआ करता था।
तमिल शास्त्र कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। एक परातन नाम के शासक ने अपना राज्य उनके 8 पुत्रों और 1 पुत्री में बांट दिया था। बाद में उन्होंने अपने राज्य के और 9 टुकड़े किए और जिस हिस्से पर उनकी पुत्री कुमारी ने शासन किया वो हिस्सा कुमारी कंदम कहलाया। जबकि एक और धारणा के अनुसार कुमारी कंदम में ब्राह्मण रहा करते थे और वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर शिव की आराधना किया करते थे। वहीं एक दूसरी धारणा के अनुसार कुमारी कंदम को रावण का राज्य माना जाता है क्योंकि श्रीलंका इसी कुमारी कंदम का हिस्सा था। हालांकि इस जगह पर वास्तव में किसका राज था ये कह पाना अब भी बेहद मुश्किल है, पर इस महाद्वीप के डूब जाने के विषय में सबकी एक ही धारणा है जिसके अनुसार हिमयुग के अंत में बर्फ पिघलने से महासागर के जल स्तर में वृद्धि हुई और सागर किनारे बसे सभी नगर और सभ्यता जल की गहराई में समा गए थे, जिनमें से एक था कुमारी कंदम। कहते हैं कुमारी कंदम के डूब जाने के बाद इस विपदा से बचने वाले तमिल लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए और वहीं से एक नई भाषा, जाति और सभ्यता की शुरुआत की। और शायद यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पुरातत्व विशेषज्ञों को शिवलिंग और हिंदू धर्म की अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें आयरलैंड, वियतनाम, कोलंबिया और साउथ अफ्रीका के सुडवाला केव्स भी शामिल हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि आज से कई वर्षों पूर्व तमिल सभ्यता के इन लोगों ने ही इन मूर्तियों की स्थापना दुनिया के अलग अलग कोनों में की थी? कुमारी कंदम एक काल्पनिक स्थान नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए विश्व भर से दिग्गज हस्तियों ने कई धारणाएं पेश की। ब्रिटिश जीव विज्ञानी फिलिप लूटलेस क्लैटर के अनुसार मेडागास्कर में पाए जाने वाले लेमूर, अफ्रीका में पाए जाने वाले गैलागोस, एशिया में पाए जाने वाले लॉरिस और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले टार्सियर, ये सभी स्तनधारी जीवों की प्रजाति की जन्मभूमि मेडागास्कर ही थी। ये सभी लेमूर एशिया और अफ्रीका में बाद में एक भू सेतु के सहारे चले गए और ये सेतु इन सभी देशों को आपस में जोड़ता था, जिसे लेमूरिया नाम दिया गया। फिलिप ने लेमूरिया को एक प्राचीन उपमहाद्वीप बताया जो कि भारत महासागर में बसता था। कुमारी कंदम पर चर्चा करने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं थे। जर्मन जीव विशेषज्ञ अर्नेस्ट हैकेल ने दावा किया था कि मानव सभ्यता का विकास लेमूरिया या कुमारी कंदम में ही हुआ था। इसे मानव सभ्यता का पालना माना गया है, जहां से मनुष्यों की 12 जातियां पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जा बसी थी। तो क्या ये सभी सिद्धांत इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि कुमारी कंदम वास्तव में हिंद महासागर में बसी प्राचीन सभ्यता थी? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्व विभाग को ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तल से एक ऐसे सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो हिमयुग से भी पहले के माने जाते हैं। कुमारी कंदम की कहानी में कितनी वास्तविकता है इस विषय पर आज भी विवाद होते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि इस विषय पर और भी खोज होनी चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हफ्ते रोमांचक कहानी सुनने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर थ्रिलिंग वीकेंड्स कम्युनिटी का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।